ये उन दिनों की बात है। तो तुम तैयार हो नैना? चलो आ जाओ। जाने ना तो बहुत अच्छा करेगी, दिखा दे सब। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चांद पर नहीं जा रही है और ना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने। मैम वो भी एक दिन नैना कर लेगी। सेमी क्लासिकल डांस कहती हो? काम्या जरा नैना को बताओ सेमी क्लासिकल डांस किसे कहते हैं? इसे कहते हैं सेमी क्लासिकल डांस। उसको तो क्लासिकल का सी भी नहीं आता, वो तो पहली बार ये प्रतियोगिता हमारे स्कूल में आई है इसलिए इन्हें इंचार्ज बना दिया। वही तो, हिंदी अच्छे से पढ़ा दे वही बहुत बड़ी बात। मैम मैम मैं ना एक और बार कोशिश करती हूँ। मैम मैं कर सकती हूँ। जा सकती हो नैना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये कॉम्पिटिशन अहमदाबाद में नहीं दिल्ली में है, हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है। तुम अगले साल सीखकर इसमें हिस्सा ले लेना। इस बार क्विज प्रतियोगिता राजकोट में ही है, वहां की तैयारी कर लो तुम। नैना पायल चलो आ जाओ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे मिस्टर एके खन्ना से मिलना है। आप लेफ्ट से स्ट्रेट चले जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू। विक्की, हाँ अमीन जी स्टूडियो नंबर 3 में आ गए हैं, किसी को चाय पानी के लिए भेजो। जी सर। आप अभी अमीन सियानी जी की बात कर रहे हैं? चलो तुम कौन हो? जी मैं समीर, जी हन्ना अंकल ने बुलाया था। ओ, अमृता के दोस्त
खन्ना जी ने बताया था मुझे असिस्टेंट की जॉब के लिए आया है ना तू? जी अंकल। मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, हरीश मेहता। दीपक ये समीर है, इसे काम समझा देना और फिलहाल इसे अपनी साथ वाली सीट पे बिठा देना। ओके सर। और जैसे ही खन्ना साहब फ्री हो इसे मिलवा देना। यस सर। चलो आइए बैठो। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। उस दिन मैं घर से बाहर तो निकल गया था अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने के लिए। नई शुरुआत ही तो थी, क्योंकि मैंने जो रेडियो स्टेशन पर देखा वो सब मेरे लिए एक नई दुनिया देखने जैसा था और मैं अपने एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं पा रहा था। मन कर रहा था कि जल्दी से नैना को अपने इस नए एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं। मैंने ठान लिया था कि दिल्ली में अपना गुजारा टाइम यादगार बना कर रहूंगा। यादगार तो होने ही वाला था, लेकिन ऐसा यादगार बनेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं ही फालतू बैठा हूं। जल्दी से स्क्रिप्ट टाइप करो, 10 मिनट में चाहिए। और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या अब ये मत कहना कि टाइप करना नहीं आता है? 10 मिनट। वैसे तो कितना हीरो बनता था ना मैं, बाल लहराते हुए बाइक चलाना, दो चलती बाइक्स पे खड़े हो जाना, स्केट्स पहन के स्टंट सिखाना लेकिन उस दिन सारी हीरो बनती निकल गई थी मेरी एक टाइपराइटर के आगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेहता सर ने टाइप करने को नहीं रॉकेट उड़ाने को कह दिया और सच कहूँ तो उस दिन रॉकेट उड़ाना टाइप करने से कहीं ज़्यादा आसान होता मेरे लिए हाँ तो समीर, स्क्रिप्ट टाइप हुआ? अरे वाह, आपने तो कितना टाइप कर दिया, क्या स्पीड है। सच्ची समीर जी, आपको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। सर वो 5 मिनट में आर्टिस्ट ने ऑन एयर जाना है, ये एक लाइन का स्क्रिप्ट दूंगा उसे मैं। पता नहीं क्या सोच के भेजा है खन्ना साहब ने इसे। दीपक ये स्क्रिप्ट जल्दी से टाइप करो। अब देखिए जरा स्पीड किसे कहते हैं। समीर ने बताया था मुझे कि उस दिन टाइपराइटर पर नाचती हुई उंगलियां और उससे निकलती ठक ठक की आवाज समीर को कर्मा फिल्म के उस सीन जैसी लग रही थी जहां समीर अनुपम खेर था और मेहता अंकल का चमचा दिलीप कुमार बन के स्टेन गन से उसके चारों तरफ फायरिंग करते हुए इंडिया का नक्शा बना रहा था। खैर उधर कर्मा थी तो यहाँ अहमदाबाद में शोले चल रही थी क्योंकि उस दिन मेरी हालत उस बसंती की तरह थी जिसे गब्बर ने किडनैप कर लिया था और उससे कहा था नाच बसंती। फर्क बस इतना सा था कि बसंती का मकसद वीरो को बचाना था और मेरा मकसद दिल्ली जाना था। अब आखिर कब तक दिन में सपने देखती रहती और सिर्फ सपनों में ही समीर से मिलती रहती।
महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब, सरगोशिया चुपके करे दस्तक से दे दिल पे मेरा महबूब, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब। चांद को रोक लूं मैं, चांद गुस्ताखियां जो करे वक्त को थाम लूं मैं, रात का ये समा अब्र का कारवां, संग इनके बने अपनी ये दास्तां, बदमाशियां करे परछाइयों से मेरे मेरा महबूब। तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं मिल सकती मैं समीर से। ऐसी बात ना करो भाभी, तुम फाइटर हो फाइटर। हाँ, तुम्हें डांस में हिस्सा लेके दिल्ली जाना होगा। हाँ, हम तुझे दिल्ली भेज कर रहेंगे, और कल प्रिंसिपल के सामने आखिरी चुनाव है, तो तुझे साबित करना होगा कि तू सबसे बेस्ट है। पर मैंने सेमी क्लासिकल डांस कभी नहीं किया। और उसमें क्या है, कोई भी कर सकता है। देख हम अभी करके दिखाते हैं। आ जा शुरू हो जा भाई। ता थई तिक तई ता थई था। फिर से करके दिखाते हैं। ता थई तई ता थई ता थई ता। इससे अच्छा डांस तो मैं नींद में कर लूंगी। अरे वो तो हमें पता है तुम कर सकती हो, बस ऐसे ही करते रहना मुस्कुराते हुए। लेकिन सोने की जगह जाग के तैयारी करनी होगी। हाँ, आज पूरे दिन ना तू डांस की प्रैक्टिस कर, और बाकी सब हम देख लेंगे। समीर की याद आती है ना, जीजा जी से मिलने का दिल करता है ना। समीर से मिलने दिल्ली जाना है ना, डांस में जीतना है ना, तो बस प्रिंसिपल सर के सामने सबको दिखा देना, प्यार इंसान को ना को चने ही नहीं चबाता, बल्कि प्यार इंसान को क्लासिकल डांस भी सिखा देता है। अरे नहीं नहीं सानू दादा, क्या बात कर रहे हैं आप जी। दादा टाइटल है किशोरदा की बात कुमार सानू के साथ। ठीक है, कुमार सानू की बात हो रही है। हाँ तो ये सब आम बात है, यहाँ तो सिंगर्स होके फिल्म स्टार्स भी यहाँ आते रहते हैं, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन सब। ठीक है दादा, मिलते हैं, गाड़ी पहुंच जाएगी आपके पास। ओके बाय। सुन तो लिया होगा तुमने, आज कुमार सानू लाइव होंगे रेडियो पर, और किशोर दागे पुराने गाने गाएंगे। ये सर बाद में हिलाना, पहले रिकॉर्डिंग रूम जाओ और किशोर दागे पुरानी रिकॉर्डिंग निकालो। दीपक। यस सर। इसे रिकॉर्ड रूम दिखाओ। यस सर। चलो। यहाँ देखो, मैं वहां देखता हूँ।
हेलो, एक मिनट समीर, तुम्हारा फोन। मेरा? हाँ। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस महेश्वरी साहब। अमृता। हाँ शुक्र है तूने आवाज तो पहचानी। और सब ठीक है ना? पापा ने क्लास तो नहीं ली तेरी? वैसे बहुत गुस्से वाले हैं। बाहर से जितने सॉफ्ट दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही डेंजरस हैं। वो तो जब मैं उनसे मिलूंगा ना तब पता चलेगा। मतलब तू अभी तक वेले बैठा है? नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। मेहता अंकल ने कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकालने के लिए बोला था तो मैं वही कर रहा हूँ। समीर बच के रहना मेहता से, काफी सड़ू टाइप का बंदा है वो। काफी नहीं, बहुत ज्यादा खड़ूस। कुछ ज्यादा ही पक्की लग रही है इनकी दोस्ती। अगर इसने खन्ना सर को इम्प्रेस कर दिया ना तो कहीं मेरी नौकरी है। कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। पता है अमृता मेरा दिल क्या कह रहा है? तेरा दिल है, मुझे कैसे पता होगा। अच्छा मजाक कर रही थी, चल बता क्या कह रहा है तेरा दिल। मेरा दिल कर रहा है कि मैं नैना को फोन करके बताऊं कि मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल गई है। और जब उसको पता चलेगा ना कि आज शाम को कुमार सानू आने वाले हैं स्टूडियो में, तो वो तो खुशी के मारे पागली हो जाएगी। हाँ तो सोच क्या रहा है, कर लेना फोन। हाँ बताऊंगा, लेकिन तब जब मेरे हाथ में मेरी पहली सैलरी होगी। आए हाय, पहली तनख्वाह? जैसे मैंने प्यार किया में सलमान खान ने आलोक नाथ को दी थी। आइडिया, मैं काम करूंगा, मैं कुमार सानू का ऑटोग्राफ लेके नैना को भेज दूंगा। तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए रखा है, गप्पे मारने के लिए नहीं। वो शट अप, रिकॉर्डिंग ढूंढिए। सिर्फ टाइम वेस्ट करना जानते हो, फोन पर गप्पे मारना जानते हो सिर्फ। तुम जैसे निठल्ले लोग ना तो म्यूजिक को जानते हो और ना मेहनत करना जानते हो। किशोर कुमार का नाम सुना है तुमने कभी? अरे वो उन महान सिंगर में से एक थे जिनकी तुमने लाइव रिकॉर्डिंग खो दी है। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि वो कितनी रेयर थी? अरे लोग सुनने के लिए तरसेंगे एक दिन उसे। निकल जाओ सर, अब गेट आउट। सर मेरी बात, गेट आउट। दीपक मुझे वो रिकॉर्डिंग हर हालत में चाहिए, ढूंढो यही होगी वो। सर। एक बात सही कही थी उन्होंने कि आने वाले समय में ऐसे गाने सुनना रेयर हो जाएगा और हम सब तरसेंगे ऐसी मेलोडीज को सुनने के लिए। देखिए ना, तभी तो आज फिर वही पुराने गानों के रीमिक्सेस और रीमेक्स बन रहे हैं और ट्रिब्यूट के नाम पर दोबारा फिल्मों में लाए जा रहे हैं। हाँ अब उनकी क्वालिटी कैसी है ये फैसला तो आप ही कीजिए। पर एक बात उन्होंने सही नहीं कही थी कि समीर को म्यूजिक की कद्र नहीं है। पर समीर ने उस दिन उनको बिल्कुल सही जवाब दिया था, है ना? सर मिल गई। थैंक यू, गुड जॉब। मेरा काम भी आता है और किशोर कुमार को कौन नहीं जानता। तुम बाहर का रास्ता भी जानते हो ना, गेट आउट।
अपने अपने काम पर जाओ। प्रीति कोशिश तो कर रहे ना, क्या खाक कोशिश करूं? ये क्लासिकल म्यूजिक तो समझ में आ नहीं रहा, डांस कैसे करूं? बेला, बेला आई, जरा जल्दी आओ। क्या बात है जी, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। तो जल्दी रेडियो लेके आओ, रेडियो पे स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है, किशोर कुमार की बातें कुमार सानू के साथ। हाँ? हाँ? अभी लेकर आते हूं, नैना प्रीति के रूम में है। जल्दी लेके आओ। प्रीति बंद क्यों था अंदर से? वो मैं कपड़े बदल रही थी ना, तो अच्छा ठीक है जा रेडियो लाके दे। नहीं अभी तो मैं और नैना गाने सुन रहे हैं। बेटा तू गाना बाद में सुन लेना ठीक है, तेरे पापा जी ने मंगवाया है, उन्होंने कहा आज कुमार सानू आने वाला है रेडियो पे। कुमार सानू? नैना तेरा फेवरेट कुमार सानू, चलो हम भी चलकर सुनते हैं। मुझे नहीं सुनना, तू जा, मेरा बिल्कुल मन नहीं। कुमार सानू के गाने नहीं सुनने? अभी तुझे पागल हो गई है क्या? चल गाने सुन के तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। क्या है प्रीति? चल प्रीति नहीं, अरे यार। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अविनाश खन्ना बोल रहा हूँ। आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आप श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि किसी कारणवश कुमार सानू जी इस स्टूडियो पे नहीं आ पाएंगे। यकीन मानिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। क्या यार मूड ऑफ हो गया। देखा प्रीति, खुश होने का बस एक यही मौका था, वो भी चला गया। इसका मतलब पता है तुझे? इसका मतलब ये है कि मैं समीर से मिलने दिल्ली नहीं जा पाऊंगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जैसे रात के बाद सुबह होती है, हर दुख के बाद सुख होता है, वैसे ही ये बुरी खबर के बाद एक खुशी भरी खबर है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारे न्यू अनाउंसर, जो आपको अपनी शायरी सुनाएंगे और किशोर कुमार के गाने की धुन भी बजा के सुनाएंगे। तब तक तो हम सो जाएंगे, मैं बंद कर रही हूँ। प्यार बहुत छोटा सा शब्द है प्रीति, रुक। लेकिन इस छोटे से शब्द में पूरी दुनिया को बदल देने की ताकत है। खैर ये बात सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसे किसी से प्यार हो, और उन्हीं प्यार करने वालों के लिए किशोर कुमार के गीत का ये संगीत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.